आपका एक बार IDS फैमिली में एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं अपने मायके आई थी, मेरे भाई का आज तिलक है, तो यहाँ का डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं आपका। फिलहाल अभी हो रहा है, अभी तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए आप, ये यसु भी काम में लगा है। यसु हेलो बोलो। ये है, तो क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? क्या जवनी शुक्ला। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे भैया हैं जो यहाँ पे अभी वो कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं आगे का क्या करना है। ये हैं लक्ष्मण भैया जिनका आज तिलक उत्सव है और ये है मेरा भतीजा सोनू, इतना बड़ा वीडियो बना। तो कि नींद पूरी नहीं हो पा रही है इनकी, क्योंकि एक दिन पहले भी बारात कर चुकी हैं, ये सोने में व्यस्त हैं। ओ मूवी काम कर रहे हैं, देखो ये यहाँ पे मिठाइयाँ पैकिंग का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हेलो भाई, नमस्कार। मिठाई पैक कर रहे हो? ओमो ये है मिठाइयाँ, ये है रसगुल्ले, इसमें क्या है, ये है बर्फी और इसमें है नमकीन, ये है बालूशाही, और सब यहाँ अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं और वो भी काम कर रहा है। यहाँ खाने की तैयारी हो रही है, यहाँ सब कुछ खाना बन रहा है, देख सकते हैं आप। इन्होंने अकेले बर्तन धोया है, वो भी सर ढक के नहीं दिखाना चाहती हैं क्योंकि उनको शर्म आ रही है, ये मामी हैं। ये मेरा किचन अभी न्यू बना है, न्यू बहू के लिए न्यू किचन। देखिए ये पुरानी बहू है जो कि पुराने किचन में खाना बना रही थी। तो इधर इधर घूमिए, इधर चेहरा दिखाइए, तो ये देखिए इनका चेहरा, हाँ काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। देखिए खाना छोड़ के मिस्त्री गायब हो गए हैं, सब छोड़ छाड़ के। अच्छी लग रही हैं मुझे। और ओम है, ये सेकेंड ओम है, सेकेंड ओम टू। तो का नाम ओम है, इधर घुमाओ तो। ये एक मामा एक पापा, ये इसके मामा हुए, एक पापा तो कहा था, एक मामा एक पापा, ये पगली। वीडियो आप केवल काम रहेगा, आपको वीडियो बना लिया। हाँ ये भैया कह रहे हैं बस मुझे वीडियो बनाना है। गेट बंद कर रहे हैं कैसे? ओ मु छह दिन के छोटे बड़े बच्चे। ये साले साहब की शादी की तैयारी जो है लगभग पूरी हो चुकी है, और यहाँ पर ये जनरेटर भी आ चुका है, बाकी डीजे की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है। ये घर में ही टेंट लगा रखा है और आज है साले साहब का तिलक। भाई साहब ये ओमू तैयार है यहाँ पे। यशु यहाँ पे तैयार हो गया है।
नाहू ठाकुर लगभग पूरी तैयारी कर चुके हैं यहाँ पर वेदी के लिए पूरा सामान। अभी वेदी डालेंगे ठाकुर जी। ये यहाँ पर सभी लोग आते हुए धीरे धीरे, ये परी हेलो भैया साहब यहाँ पर डीजे तैयार है। बाकी ये तिलकोत्सव के लिए मंडप, धीरे धीरे लोग आते हुए यहाँ पे। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है। ये पान वाले भैया, पान वाले भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं पान लेके, और अभी खाने की टेबल जो है लगी नहीं है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है अभी रात को सजने के बाद। ये रोड है नईगढ़ी टू गढ़ रोड कही जाती है यहाँ पे, और ये हमारे पिंड वाले भैया, तो हमारे यहाँ का देसी कल्चर इसी पे हमारे यहाँ सभी लोग डांस करते हैं। तिलकोत्सव में जो है अभी खाना स्टार्ट हो चुका है और ये यहाँ पर चाट बनाते हुए, चाट फुल्की स्टॉल जो है लग चुका है खाने का। डूडू, ये है हमारा डूडू, बहुत बढ़िया जो है ढोलक और तबला बाजक है। कभी इसकी भी वो हम आपको दिखाएंगे वीडियो। यहाँ पे दादा लोग खाना लेते हुए, फाइनली पानी चाहिए ना, दूल्हा जो है वो तैयार हो चुका है तिलक के लिए। कैमरामैन और काजल लगाते हुए लेट हो लड़के को, एक हमारे यहाँ का शगुन है जो तिलकोत्सव जो है स्टार्ट हो चुका है। ये देखो आप, ये लड़की पक्ष वाले लोग और ये दूल्हा, हमारे यहाँ इस तरह से जो है तिलकोत्सव मनाया जाता है। लड़की वालों की तरफ से ये इस तरह के कपड़े, फल फ्रूट और जो भी देना होता है वो सब इसी तिलकोत्सव में दिए जाता है। और
सोमू जो है थक गया है, सो गया है। यशु कुमार जूते उतारने में रो रहे हैं। आयुष उत्सव में इस तरह जो है सामान भाई के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे एक तरफ से भाई देगा और दूसरी तरफ से दूल्हा जो है अपने हाथों से सारा सामान अपने पास रखेगा लेगा सॉरी। ये एक तरह की हमारे यहाँ की रस्म है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ये मिठाई जो जितनी मोटी पार्टी होगी वो उतना ज़्यादा सामान देता है यहाँ पर। बड़े पापा चाचा तिलकोत्सव का ये पान खिलाने वाली जो रस्म है स्टार्ट हो रही है। इसके बाद जो हमारा तिलक कोत्सव है वो पूरा समाप्त हो जाता है। और ये भाई अपने होने वाले चीज़ें को पान खिलाएगा, लोग दोनों खिला रहे हैं। खूबसूरत रस्म पान की वाले के लिए। ये इधर देखिए दोनों लोग, इधर देखिए दोनों लोग, इधर देखिए। इस तरह जो है ये तिल का कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो जाता है। बच्चे बढ़िया से डांस करते हो। कार्यक्रम खत्म होने वाला नहीं है और रात भी होती है।
परेशान कर रहा है तो आप।